losing time, I'm fading fast. मेरा नाम आमिर मजीद है और मेरे YouTube चैनल का नाम है यूरोप देसी। आज मैं आया हूँ टेक्सटाइल की एग्जीबिशन पे इन फ्रैंकफर्ट मेसे। तो मैं आपको यहाँ पे बताता जाऊँगा और दिखाता जाऊँगा कि लोग किस तरह से यहाँ पे जो है वो एग्जीबिशन पे आते हैं और किस तरह से अपने बूथ को डेवलप करते हैं और कैसे लोग यहाँ काम करते हैं। यहाँ नीचे से जो है वो बानोफ है, मेसे का जो स्टॉप है फ्रैंकफर्ट का, और यहाँ से लोग निकल के और फ्रंट वहाँ पे चेक इन है। वहाँ पे आपको अपनी टिकट दिखानी पड़ेगी और टिकट दिखाने के बाद आप अंदर इंटर हो सकते हैं। इंटर हो गया हूँ तो मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगा कि किस तरह से मेसे है। सारे साइन जो हैं वो बताए हुए हैं किस साइड पे जाना है। अगर 12 नंबर में जाना है तो आप राइट साइड लेफ्ट साइड पे जाना है। काफी बड़ा मैसे है तो हमने आज जाना है हॉल नंबर 10। तो लेट्स सी, यहाँ पे लिखा हुआ है हॉल नंबर 10 जो है वो ऊपर की तरफ है, तो चलो चलते हैं। और यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है वो भी मैं आपको इससे शेयर कर देता हूँ। इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट है, सो बहुत सारे लोग जो हैं वो इंडिया से यहाँ पे आए हुए हैं। वेलकम टू जर्मनी। और यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान पवेलियन का बोर्ड जो लगा हुआ है, वेलकम टू पाकिस्तान। सो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मेसे का यहाँ पे लोगों का आना और अपने चीज़ों की एडवर्टाइज़ करना या लाइक इसका प्रॉपर मकसद क्या है कि जो बिज़नेसमैन है बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनली, वो अपनी चीज़ों को एडवर्टाइज़ करने के लिए, अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करने के लिए जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में इस तरह जाते हैं और फिर लोग वहाँ पे कंट्रीज़ के जो बिज़नेसमैन है वो आके देखते हैं कि ओके किस कंट्री की क्या प्रोडक्ट वो ले सकते हैं। तो इस तरह से एडवर्टाइज़मेंट हो जाती है और बिज़नेस जो है वो डेवलप होता है। सो 10.1 पे मैं पहुँच गया हूँ और यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से लोग जो हैं वो अपने बूथ को डेवलप करते हैं।
चुका और कल आपको नई वीडियो के साथ जो है वो हाजिर होंगे। अभी कंस्ट्रक्शन जारी है, लेट्स सी कल कहाँ तक पहुँचती है कंस्ट्रक्शन। तो कल तक के लिए बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।